सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं कि एज अ गर्ल जो कनाडा का फर्स्ट 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस होता है वो कैसा रहता है, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है, और वो सब शेयर करने के लिए आज हमारे चैनल पर वापस से दूसरी बार प्राची तनेजा आई हैं, जो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया स्टार्टिंग में आके और आज बहुत अच्छी जगह पहुँच भी चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हमेशा की तरह सेम रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर दो। तो प्राची, आपसे 3-4 क्वेश्चन अपने पूछने वाले हैं। सबसे पहला होगा घर को लेके, कि घर फाइंड करने में कितनी प्रॉब्लम हुई, कैसे हुई, और सेकंड होगा जॉब को लेके, थर्ड अपने बात करेंगे कि एज अ गर्ल आपको कोई डिफिकल्टी हुई या नहीं हुई कनाडा के अंदर, और फोर्थ पॉइंट में अपने बात करेंगे कि घर वालों को भी बहुत टेंशन रहती है कि हमारा बच्चा वहाँ जाके खाने पीने में कहीं उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही, तो उसके रिगार्डिंग भी जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो इस वीडियो में आप शेयर करना। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप बताओ कि अकोमोडेशन को लेकर जब घर फाइंड करना होता है स्टार्टिंग में किसी गर्ल को आके, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या कितना ईजी है रूम फाइंड करना? गर्ल्स के लिए रूम फाइंड करना इज नॉट डिफिकल्ट। इन ब्रैम्पटन यू कैन इजीली फाइंड अ गुड रूम, बट बॉयज के लिए ऑप्शन बहुत कम होते हैं। लेकिन गर्ल्स को मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं। और अगर आपको प्राइवेट रूम लेना है तो मैक्स 500-600, बट बॉयज के लिए इट गोज टू 700-800। सो गर्ल्स के लिए अकोमोडेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती गर्ल्स को। ओके, सो पहली जो टेंशन होती है रूम वाली, वो तो मैंने खुद ने भी देखा है यहाँ पे कि मार्केट प्लेस पे जब मैं खुद के लिए भी रूम वगैरह देख रहा था, तो स्पेशली फॉर गर्ल्स लिखा होता है, तो गर्ल्स के लिए शायद फाइंड करना ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन है। बट हाँ, लड़कों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। जब मैं अपना पर्सनल रूम देखने की ट्राई कर रहा था तो वो 700-800 से स्टार्ट हो रहे थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, बात करते हैं सबसे मेन जो काम का कैसे हुआ, जो सबसे बड़ा डिप्रेशन का घर होता है कि भाई काम ढूंढना, और कौन कौन से आपने काम किए और कैसे एक बहुत अच्छे प्लेस पे अब आप पहुंच चुके हो। मैंने बहुत काम ट्राई करे, मतलब फर्स्ट मंथ तो मैंने पूरा एक्सप्लोर करा डिफरेंट वर्क, और नाउ आई एम स्टेबल टू वन वर्क। तो पहले तो मैंने सबसे पहले करा फैक्ट्री से स्टार्ट, क्योंकि हर स्टूडेंट सबसे पहले जाएगा फैक्ट्री। तो मैंने वहाँ शिफ्ट ली, एंड मैं 4 आवर्स की शिफ्ट के बाद वापस, मैंने कहा मेरे से नहीं हुई थी शिफ्ट, फैक्ट्री शिफ्ट इज नॉट बहुत टिपिकल रहता है। यस, तो फैक्ट्री शिफ्ट मैंने करी नहीं। फिर मैं गई टिम पे, एंड टिम का काम इज गुड, बट डिपेंड करता है कि साथ वाले कैसे हैं। ओके, बट तो आप कह रहे थे ना वहाँ पे कि थोड़ा हेक्टिक हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब बिजी बहुत रहता है टीम, तो आपको एक एक मिनट में बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, तो फिर वो मेरे से मैनेज नहीं हुआ, तो मैंने टीम का भी नहीं करा। एंड देन 2-3 वर्क और ट्राई करे बट नहीं सकते, मतलब उसके बाद क्या किया फिर आपने? लाइक मैं बेकरी गई, मैंने वो बेकरी में भी किया, काम नहीं करा, बट मैं वहाँ देख के आई, पर मैं मेरे को अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, तो मैं वापस। फिर देन मेरे फ्रेंड की रेफरेंस से मुझे एक जगह जॉब मिली वहाँ रेस्टोरेंट पर। एंड तो रेस्टोरेंट का नाम क्या है, या वो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहती? नहीं, मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ रेस्टोरेंट का नाम। सो रेस्टोरेंट का काम इज वेरी गुड, मतलब एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, स्टाफ इज वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल करा। मतलब फर्स्ट मंथ तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि ये सारी इतने फ्रेंडली है, इतना मजा आ रहा था काम करने में, और अब मेरे को काफी अच्छा लगता है वहाँ काम करना। तो मेन इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कनाडा के अंदर आ रहे हो तो स्टार्टिंग में डिप्रेशन में जाने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आप एक्सप्लोर करो कि आपको कौन सा काम अच्छा लग रहा है, अगर एक काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप छोड़ के मूव ऑन टू द नेक्स्ट, की कोई और ढूंढो। तो इन्होंने भी 3-4 काम पहले शिफ्ट किए थे, कई टाइम अपने डिप्रेशन में भी जाते हैं कि मेरे को अब समझ नहीं आ रहा अब हम कौन सा काम करें, बट फाइनली हमें काम वो मिल जाता है जिसके अंदर हमारा मन भी लगने लग जाता है, तो वही टाइम का पता भी नहीं चलता। तो पहला शायद आपका मन जो था वो बहुत अप एंड डाउन रहा था, अकोमोडेशन की सेटिंग नहीं थी फर्स्ट मंथ, एंड ना काम की थी, कुछ सेटिंग नहीं थी, कुछ मतलब डिप्रेसिंग कंट्री है कनाडा, बिकॉज ना फ्रेंड्स है ना फैमिली है इधर इतनी। तो वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्टेक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले 3 मंथ तभी कहते हैं कि थोड़ा क्रूशियल रहता है, और उसके बाद पर्सन जो है यहाँ आके थोड़ा सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद अब अपने बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मेरे को भी पर्सनली बताऊं तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट आप भी बताना कि ओवरऑल एज अ गर्ल आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कि आपको लगता है कि बॉयज को यहाँ पे कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हैं या गर्ल्स और बॉयज का आपको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है कि गर्ल्स को ज्यादा फैसिलिटीज है यहाँ पे, सो इट इज सेफ ऑल्सो। यस, वेरी सेफ, मैं रोज रात को ट्रैवल करती हूँ, एवरी डे 1 घंटे का ट्रैवल होता है मेरा, और फिर मेरे को वॉक इन पे आना होता है अपने घर तक, तो वेरी सेफ, आई डोंट फील एनीथिंग लाइक दिस।
सो बेसिकली आपका ये कहना है कि जितने भी घर वाले हैं जो इंडिया में सोच रहे हैं कि हम अपनी गर्ल को भेजें ना भेजें लड़की को, तो इट इज वेरी सेफ और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे कि टेंशन वाला. इंडिया के अंदर अपने फिर भी थोड़ा सा रहता है कि सेफ्टी का इशू, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है और सभी बॉय और गर्ल को इक्वली ट्रीट करते हैं यहाँ पे. तो उसके बाद अब अपने बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर और बात करते हैं खाने पीने से रिलेटेड. तो इंडिया के अंदर पेरेंट्स बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कनाडा जाके भूखा ना मरे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसे ही होता है कि वहां से खाना बनाना सीख के नहीं आते और यहां आके बनाना सीखना पड़ता है. बट इन केस अगर आपको खाना वगैरह बनाना नहीं आता तो यहां पे कैसा सिस्टम है खाने पीने का? अगर खाना नहीं आता, बनाना नहीं आता और प्लस टाइम भी नहीं होता, यहां मेन टाइम नहीं होता खाने बनाने का, तो यहां पे टिफिन सर्विस अवेलेबल. ब्रैम्पटन में तो बहुत ज्यादा टिफिन सर्विस आपको मिलती है. तो कितना मतलब चार्ज रहता है उनका टिफिन? डिपेंड करता है, स्टार्टिंग लाइक मीडियम स्टार्ट्स फ्रॉम $160 टू $200 पर मंथ. ओके, एंड 200 वाला बेस्ट होता है मेरे हिसाब से. और वेज और नॉन वेज का डिपेंड करता है. कितने दिन रहता है मतलब टिफिन? सात के साथ? फाइव डेज अ वीक. ओके, तो आपके पास दो दिन स्टिल है बाहर का खाने के लिए, तो 5 दिन आप टिफिन का खा सकते हो. और उसके बाद अगर आपको कोई कनाडा का या कनेडियन फूड या फिर कुछ भी मतलब बाहर का खाना, तो वीकेंड पे वैसे भी लोग काम नहीं करते और तो आप जाके बाहर डाइन आउट करके आ सकते हो. तो ठीक है प्राची, अब आप ओवरऑल भी बता दो कि अब तक की जो आपकी 3 मंथ्स की जर्नी रही है वो कैसी रही है? 3 मंथ्स की जर्नी में फर्स्ट मंथ जर्नी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी. बहुत अप एंड डाउन, अकोमोडेशन की प्रॉब्लम, जॉब की प्रॉब्लम. लेकिन जो अब 2 मंथ्स पता ही नहीं चले, टाइम चला गया जॉब में, काम में, क्लासेस. तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि अब आपका सारा सेटल डाउन हो चुका है. तो भाई घबराने की नीड बिल्कुल भी नहीं है. जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स के अंदर कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डोंट लूज योर होप. यही कहना चाहते हो? तो मेरे को भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे और मेरी भी जर्नी बहुत सारे अप एंड डाउन से रही है. बीच में 1 मंथ पूरा यूट्यूब से भी गायब हो गया था. तो ओवरऑल यही है कि बस गाइज मेहनत करते जाओ और जो मिशन एक लेके आए हैं हमें सक्सेसफुल करना है और साथ में मेक योर पेरेंट्स प्राउड. तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था. और अगर आपको वेदर का बताएं, पता नहीं बीच में बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाती है फिर बंद हो जाती है. तो अब हम पैकअप करते हैं और गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तो प्राची आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? बाय बाय. तो ठीक है गाइज, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.